की कमी शायद ही कोई पूरा कर पाता हो, मगर जब माँ बाप का साया सर से छिन जाता है वो औलाद सबसे ज़्यादा अकेली हो जाती है। अफसोस की बात तो यही है कि जब से 2019 की शुरुआत हुई है तब से ही ये साल बॉलीवुड को तमाम दुख और दर्द भी दे चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और मैं आपका स्वागत करती हूं आज बेहद ही इस खास प्रोग्राम में। कहीं ना कहीं बेहद ही ज़्यादा दुख की खबर है कि अजय देवगन के पापा वीरू देवगन ने 27 मई को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यकीनन ही बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप का साथ उन्हें ताउम्र चाहिए होता है। कहा यही जा रहा है कि वीरू देवगन को कार्डिक अरेस्ट हुआ जिसके चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वीरू देवगन ने बॉलीवुड के नाम तमाम फिल्में की। वीरू देवगन बॉलीवुड के एक ऐसे एक्शन स्टंट डायरेक्टर भी कहलाए जाते थे जो खुद अपने बेटे अजय देवगन को ये तमाम एक्शन भी सिखाते थे। अब पिता के जाने का दुख हम अपने शब्दों से क्या बयां करें कि अजय देवगन और देवगन परिवार पर क्या बीत रहा होगा। ये वाकई ही अफसोस की बात है कि अजय देवगन के पिता ने इस दुनिया को छोड़ दिया। ऐसे में हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कितने रोते बिलखते हुए अजय देवगन ने एक वीडियो को शेयर किया है कि उनके पिता वीरू देवगन यहाँ पर उन्हें एक्शन सीन सिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन उन्हें करना चाहिए, किस तरीके से तमाम चीजें होती हैं। ऐसे में आपको बता दे कि उनके अंतिम संस्कार जब हुआ था तब यहाँ पर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री यहाँ पर देखी गई। काजोल को यहाँ पर सहारा देती हुई देखी गई थी ऐश्वर्या, तो वहीं यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने सहारा दिया अजय देवगन को। यकीनन ही अपने सच्चे मित्र की पहचान दुख के समय में होती है कि आखिरकार कौन हमारा सच्चा मित्र है या फिर कौन दिखावा करता है। वहीं अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं दुख की घड़ी में अक्सर ही मौजूद भी होते हैं और दुख को बांटते भी हैं। आप देखेंगे हमारी एक खास रिपोर्ट जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रोते बिलखते हुए अजय देवगन ने पिता को याद किया और भावुक कर देने वाले कुछ शब्द भी कहे। यकीनन ये काफी दुखी है कि अजय देवगन के सर से उनका पिता का साया छिन गया। हम शायद ही शब्दों में उस दर्द को बयां कर पाए जो अजय देवगन और देवगन परिवार में इन दौरान देखा जा रहा होगा। 27 मई की शाम जब अजय देवगन के पिता वीरू देवगन को कार्डिक अरेस्ट हुआ और यहां पर वीरू देवगन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वीरू देवगन जो हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्शन शूट कराने के डायरेक्टर कहलाए जाते थे जिन्होंने तमाम ऐसे एक्शन सीन्स दिए हैं जो यकीनन ही आज भी हर किसी के दिल में जिंदा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में वीरू देवगन के चले जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वीरू देवगन बेटे अजय देवगन को शूटिंग सेट पर एक्शन सीन्स के बारे में सिखाते देखे जा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो काफी पुराना है क्योंकि अजय देवगन वीडियो में यहाँ पर काफी यंग भी दिख रहे हैं। वीडियो में वीरू देवगन ने कई दिल के राज भी खोले। जब अजय पैदा हुए तो सोचा था कि इसे हीरो बनाना है, मैं इंडस्ट्री में हीरो बनने आया था। जब एहसास हुआ कि मैं इसके काबिल नहीं हूं तो सोचा बेटे को बनाऊंगा। वीरू देवगन ने हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने की शुरुआत दिनों में बहुत स्ट्रगल किया था। कई रातें भूखे रहकर भी उन्होंने गुजारी, तो कई बार टैक्सियां साफ की। अपने पिता के स्ट्रगल पर बात करते हुए एक बार अजय देवगन ने कहा था कि मेरे पिता ही मेरे लिए रियल सिंगम है, क्योंकि वो जब बॉम्बे आए थे तो उनकी जेब में सिर्फ 4 रुपए थे। वो कुछ बनना चाहते थे, उन्होंने मेहनत की, गाड़ियां धोई, टैक्सियों को भी साफ किया ताकि यहाँ वो रह सके। कई बार 8-8 दिन तक वो कुछ खाते नहीं थे, कड़ी मेहनत भी की। अजय ने बताया कि वो एक स्ट्रगलिंग फाइटर बने रह गए जब तक एक दिन
मिस्टर रवि खन्ना ने उन्हें देखा और पूछा कि वो क्या फाइट डायरेक्टर बनना चाहेंगे। कहां से लेकर भारत का सबसे बड़ा स्टंट डायरेक्टर बनने तक का उनका सफर शानदार रहा। अजय देवगन ने कहा कि मैंने उन्हें इतनी इज्जत पाते हुए देखा है कि कुछ बड़े अभिनेता उनके पैर छुआ भी करते थे, वो उनके साथ काम करना चाहते थे। जब तक मैं पैदा हुआ तब तक उनके पास पर्याप्त पैसा था। एक बच्चा और एक स्टंट डायरेक्टर का बेटा होते हुए मेरी लाइफस्टाइल तब भी वही थी जो आज है। इसमें मेरे पास मौजूद को मर्सिडीज भी शामिल हुई। उनके सर में 5 टांके लगे थे और उनके शरीर की तकरीबन हर हड्डी टूट चुकी थी। तो उनके अलावा और कोई मेरी जिंदगी का सिंघम हो ही नहीं सकता। देवगन ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा तब यहाँ पर बॉलीवुड के तमाम सितारे उनके अंतिम संस्कार में देखे गए। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर समेत कई सितारे देवगन परिवार को यहाँ पर सहारा देने पहुंचे और अजय देवगन को भी यहाँ पर सहारा देते हुए देखे गए।